दोस्तों आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। आपका फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों डन हो गए और अभी आपका चैनल थर्ड स्टेप में गेट रिव्यू में इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, यानी कि जो आपका थर्ड स्टेप है मोनेटाइजेशन वाला उसमें जो है आपको अभी तक इन प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। 48 घंटे हो गए हैं और उससे ज़्यादा टाइम हो गया है और इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। तो अब जो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है वो क्यों दिखा रहा है, कितने टाइम में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा या फिर आपको क्या कुछ करना पड़ेगा आगे मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। तो वो चीज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो को अभी से एक लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसे नॉलेजबल और यूजफुल कॉन्टेंट आप लोगों के लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि आज की डेट में एक यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि मुश्किल इसलिए हो गया है कि इतने सारे जो अपडेट YouTube लाता रहता है उनसे जो है हमारे मोनेटाइजेशन में पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, और जब चेंजेस होते रहते हैं तो जो है मोनेटाइजेशन में उतनी ही दिक्कत होती जा रही है जितने ज़्यादा चेंजेस होते जा रहे हैं। अब देखो पहले शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं होता था, अब शॉर्ट्स भी मोनेटाइज होने लगा है, ठीक है। पहले शॉर्ट्स का मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि आप शॉर्ट वीडियो से पैसे कमा सकते हो, लेकिन अब उसका भी जो है यहाँ पर अपडेट ला दिया है तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है लॉन्ग क्रिएटर को, क्योंकि अब किसी के 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट हो रहे हैं वो अप्लाई कर रहा है उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। और कोई किसी के 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो रहे हैं उसका रिजेक्ट कर दिया जाता है। रीजन क्या होता है वो YouTube कभी बताता नहीं है, बस इतना बता देगा रीयूज्ड कंटेंट, रिपीटेटिव कंटेंट और मिसलीडिंग मेटा डेटा जो भी होता है वो बता देता है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जब ज्यादा टाइम लगता है ना थर्ड स्टेप को डन होने में, यानी कि जब थर्ड स्टेप आपका इन प्रोग्रेस में ज्यादा टाइम तक रहता है तो उसका रिजल्ट 90% जो है गलत ही आता है, यानी कि 90% चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाता है, तभी इतना ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ बता देता हूँ कि एक जो आपने चैनल को अप्लाई किया या करने वाले हो और इतना ज़्यादा टाइम अगर आपको लग रहा है तो आपको क्या करना है, ठीक है, और आपको कितनी देर दिन तक वेट करना है चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप तो डन हो जाते हैं आसानी से, यानी कि फर्स्ट तो कोई मतलब ही नहीं है, सेकंड में थोड़ा टाइम लगता है 24 से 48 घंटे का, जो कि एडसेंस का होता है, एडसेंस जितना टाइम ले एडसेंस टीम आपके एडसेंस को डन करने में हो जाता है। उसके बाद थर्ड स्टेप में दोस्तों क्या होता है कि यूट्यूब जो अपने गाइडलाइन है उनकी उनमें जो लिख रखा है जो पॉलिसी है उनमें लिख रखा है उसमें लिख रखा है कि आपका चैनल 30 दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, यानी कि एक महीने का टाइम देता है YouTube मोनेटाइजेशन के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सोचोगे कि यार 30 दिन तक कौन वेट करेगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। 30 दिन वो एक उन्होंने टाइम दे रखा है कि इतने दिन में हो जाएगा, क्योंकि एक आपका चैनल तो है नहीं जो सिर्फ आपके चैनल के लिए ही बैठे रहेंगे, है ना। तो काफ़ी सारे चैनल होते हैं उनके पास डेली के, उनके पास लाखों चैनल मोनेटाइजेशन के लिए जाते हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि उन्होंने एक महीने का टाइम दे रखा है, लेकिन आपको क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो 7 दिन का टाइम लगता है, और 7 दिन के अंदर अंदर आपका चैनल मोनेटाइज कर दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करते हैं इंस्टा पर, डीएम भी करते हैं कि भाई मेरा इतना टाइम हो गया, 48 घंटे हो गए, 72 घंटे हो गए, अब मैं क्या करूं, अभी भी इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। तो उस चीज़ को मैं आपको अभी यहीं पे वीडियो में ही क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग परेशान होते हो, डीएम करते हो और मैं रिप्लाई करता हूँ, और फिर उसका आप फिर मैसेज करते हो, फिर रिप्लाई करता हूँ, तो मुझे भी काम होते हैं, आप लोग समझ सकते हो ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं वीडियो में ही सीधा क्लियर कर देता हूँ कि आपको मोनेटाइजेशन का अगर आपका थर्ड स्टेप जो इन प्रोग्रेस दिखा रहा है तो आपको 7 दिन तक वेट करना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको आगे कोई स्टेप्स लेने हैं, यानी कि 7 दिन तक वेट करना है, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे कितने भी हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है, 7 दिन आपका लास्ट टाइम है। और अगर 7 दिन तक आपका चैनल 7 दिन के बाद भी मोनेटाइज नहीं किया जाता है तो उसके बाद दोस्तों क्या करना है, अब वो 100% वाला सॉल्यूशन मैं आपको दे देता हूं, ठीक है। दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपने मेल पर, और मेल पर जाने के बाद आपको अपनी वो ई मेल ओपन कर लेनी है जो मेल, जिस मेल से आपका YouTube चैनल है, ठीक है। और उस मेल से आपको क्या करना है, सिंपल सा एक YouTube टीम को मेल करना है, और उसमें मेल में लिखना है कि आप जो है मेरे चैनल को चेक करो, आपने होल्ड कर दिया है तो क्यों होल्ड कर दिया है, मेरे चैनल को चेक करके और मोनेटाइज करो, ठीक है। तो आपको ये चीज लिखनी है, जाकर करना है अपनी मेन जीमेल से, जो आपके जिस मेल से आपका यूट्यूब चैनल हो, ठीक है, उससे आपको मेल करनी है। मेल करने के बाद
आपको 24 से 48 घंटे वेट करना है, आपका चैनल जो है मोनेटाइज कर दिया जाएगा, इन प्रोग्रेस की प्रॉब्लम आपको दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ आप जो है सेटिस्फाइड हो गए होगे मेरी बात से, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने आपको दे दिया होगा इस वीडियो में। सो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ऐसा ही नॉलेजबल और यूजफुल कॉन्टेंट आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वंदे मातरम, जय हिंद।